नमस्कार। आज आपको बता दें आज तीसरा दिन है और आज जिला न्यायालय के बाहर सभी अधिवक्ताओं का आज ये जंक्शन, क्योंकि अभी तक कोई ठोस कदम अपने अधिवक्ता साहब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने की वजह से आज आप देख सकते हैं जिला सत्र न्यायालय के आंदोलन में अधिवक्ता प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। आप देख सकते हैं बार काउंसिल के सभी सदस्य वगैरह पदाधिकारी बहुत बड़ी लड़ाई है और अधिवक्ताओं के मान और सम्मान की लड़ाई है। ये पूरा अब आप देखते होंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में कई जिले में अधिवक्ताओं के खिलाफ FIR की गई है और इस तरीके से FIR की गई है। दबाव डालने के लिए उन्होंने FIR की है कि अधिवक्ता डर जाए, बैठ जाए और इस आंदोलन को समाप्त कर दें। मैं ये शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि अधिवक्ता मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, शांतिपूर्ण लड़ रहा है और वो अपने मान सम्मान की लड़ाई तब तक लड़ता रहेगा जब उसको कोई न्याय नहीं दिला पाता। तब एक अधिवक्ता उस इंसान को न्याय दिलाता है। तो वो बताइए कि वो अधिवक्ता है तो पूरे, अभी तो ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं, पूरे भारतवर्ष में इसकी चिंगारी छूट चली है और वो अपने मान सम्मान के लिए लड़ता है और लड़ेगा और लड़ता रहेगा। जब तक पुलिस प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं लेता तब तक ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज। अधिवक्ता एकता हेलो हेलो हाँ बोलो सर, आपका नाम? मेरा नाम संतोष। सर मैं ये जानना चाहूँगा किस तरीके से यूपी बार काउंसिल का कि जो मांग है कि उस कमेटी में एक बार काउंसिल मेंबर होना चाहिए जबकि उसके सभी अधिकारी सरकार के अपने हैं, क्या कहना चाहिए? जी जी करते हैं जब तक जो है हमारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी नहीं किया जाएगा, सरकार यहाँ से ट्रांसफर नहीं कर दिया जाएगा तब तक हम सर मैं ये देख रहा हूँ कि चुनाव करीब है, कैसे 7 महीने बाद चुनाव हो जाएगा और अब तो ये कुछ और भी लाने वाले हैं, संविधान में अमेंडमेंट भी होने जा रहा है, विपक्षी इस पर अपनी राय अभी सहमति नहीं दे रहे, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में वो पारित होगा, क्या ये परेशानी है? किस नजरिए से देख रहे हैं? ये अपना मोनोपोली चला रहे हैं, मोनोपोली के तहत ही हमको दबाना चाहते हैं। अधिवक्ता समाज दबके नहीं, अभी चिंगारी चुरी हुई है, पूरे देश में आग फैल जाएगी, पूरे देश में पूरा देश का अधिवक्ता एक कहना चाहेंगे तहसील न्यायालय सभी सब बंद हो जाएंगे। अब पूरा पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली सारा बंद है इस वक्त, और इस वक्त हमें एक बार निवेदन करेंगे सरकार से, हमारा काफी 42 साल से हमारी खंडपीठ की मांग चली आ रही है, उसके लिए भी हम आगे बढ़ेंगे। एक सवाल, ये हाईकोर्ट की मांग जो लंबे समय से की जा रही है, अलीगढ़ में हाईकोर्ट की बेंच करना जारी, उसका क्या कह रहे हैं? उसमें भी हम अपना आंदोलन तेज करेंगे। अभी तक उस पर कोई संज्ञान सरकार ने कोई संज्ञान लिया? 42 साल हमें बेवकूफ बना दिया, अभी तक जो है रखी गई और कोई नहीं। अभी